साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं, उन्हें कम मानसिक दबाव होता है, जिस कारण से उसकी उम्र लंबी होती है। साइकोलॉजी कहता है कि जब आप किसी को नापसंद करने लग जाते हैं, तो फिर वो चाहे जो भी आपके लिए करे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइकोलॉजी कहता है कि दोस्त बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि 20% बोलो और 80% सुनो। साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग ज्यादा शर्मीले होते हैं, उनके पास समझने का स्किल बहुत ज्यादा अच्छी होती है। साइकोलॉजी कहता है कि किसी से एडवाइस मांगना उसको अपनी ओर आकर्षित करने और उन्हें अपने करीब लाने का बेहतरीन तरीका है। साइकोलॉजी के अनुसार दुनिया में 50% लोग हर वक्त अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन इनमें से मेहनत 1% से कम लोग ही करते हैं। अगर कोई इंसान आपकी कॉपी करने लगता है, तो इसके 90% चांस है कि वो आपसे अट्रैक्ट हो चुका है। मनोज्ञान कहता है कि ज्यादा बात करने वाले लड़की और शांत रहने वाले लड़के बेस्ट कपल बनते हैं। साइकोलॉजी कहते हैं कि जब आप किसी के प्यार में होते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी अपने आप अच्छे होने लगते हैं। माता पिता लगभग 500 से 700 घंटे की नींद खो देते हैं जब तक कि उसका बच्चा 1 साल का नहीं होता है। साइकोलॉजी के अनुसार खुद का दर्द खुद से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। अगर कोई इंसान बहुत जल्दी जल्दी और गंदी लिखावट लिख रहा है, तो इसका मतलब उसका दिमाग बहुत सक्रिय रहता है। ऐसे लोग अपनी बातों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं। अगर कोई इंसान आपको दिल से चाहता है, तो वो मात्र आपकी आवाज़ से ही खुश हो जाएगा और आपके सामने आते ही वह हड़बड़ाने लगेगा।